आइए अब हम ब्रह्मनाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर्ड है, बट आई होप सो आप लोग सब समझ पाएंगे इसको। ये बात तो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे हमारे सबके अंदर कुंडलिनी है ना। और कुंडलिनी जागृत करना, ये तो अभी आजकल तो लेटेस्ट वो है, क्या बोलना चाहिए, लेटेस्ट लर्निंग प्रोसेस है कि कुंडलिनी जागृत है ना। चलिए हम उस पे नहीं जाएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी कंट्रोवर्शियल। नाउ द थिंग इज, देखिए यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो 7 नंबर्स हैं, ये हमारे जो जो जनरल 7 चक्रास हैं वो हैं, ठीक है। नाउ एक होती है हमारी ईडा नाली नाड़ी, जो आप लोगों को सबको पता है। दूसरी होती है पिंगला नाड़ी, जो भी आपको सबको पता है। अच्छा, ईड़ा और पिंगला में आप लोगों को एक चीज और बता दूं, हमेशा याद रखिए, जो राइट वाली होगी वो आपकी सूर्य नाड़ी है, दैट इज द पिंगला। ये चीज याद रखिएगा। जो लेफ्ट है दैट इज योर चंद्र नाड़ी, दैट इज ईड़ा। ओके, ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा, याद हो जाता है धीरे धीरे, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, तब सुषुम्ना जो नाड़ी है, सुषुम्ना, वो एक्टिवेट होती है। ओके, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। उससे ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी एक बार में कभी भी एक्टिवेट नहीं होती है। हाँ, होती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां ये एक्टिवेट होती है, ठीक है। इसका एक अलग, टोटली अलग चीज है ये, कब होती है वो उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, इट्स अ थिंग टू बी लर्न इन डीप। तो यहाँ जो चीजें हैं, यहाँ मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जब जाती है, तो जब हम वो सांस खींचते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे, हम कहते हैं कि यहाँ पर थर्ड आई के ऊपर टैप करती है, राइट। यही कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो दोनों आईब्रोज के बीच में उसको फील कीजिए, है ना, यहाँ पर आप फील कीजिए। लेकिन यहाँ पर करके फिर हम वापस उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं, अपनी ब्रेथ को हम यही करते हैं। लेकिन जब हम, हमारी ये चीजें कुंडलिनी होती है, जब हम इन सब चीजों को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, तब ये क्या होती है, तब ये हमारे थर्ड आई से थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगती है। कभी कभी लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए, अलोम विलोम करते हुए यहाँ पर पेन होता है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं पता है कि कहाँ तक लेके जानी है और कहाँ से हमें नीचे लानी है। और वहां तक भी चली गई तो आपको और कितना ऊपर लेके जाना है, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है ना, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है। वो तो बाय चांस कभी हो जाता है, तो फिर हमें लगता है अरे हमारे तो ये एक्टिवेट हो गया, वो एक्टिवेट हो गया, बट उसके रिप्रिकेशन भी तो होते हैं फिर। तो ये सब चीजें यहाँ पर बैलेंस रहती है। देखिए, हम इस संसार में जब आए हैं ना, तो जीने के लिए आए हैं, कुछ फर्ज निभाने आए हैं, है ना, कुछ चीजें हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। फिर आप इस लाइन पे जाओ, आराम से 100% जाओ, हिमालय में चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब तक आप इस संसारिक वर्ल्ड में हो, तो कुछ नियम जो होते हैं, जो कुछ तरीके होते हैं जीने के, वो भी आपको फॉलो करने चाहिए, है ना। स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज है, आपको कनेक्ट करती है हायर सेल्फ से, आपको ट्रुथफुलनेस समझाती है, अच्छी तरीके से आपको जीना सिखाती है, इवन आप अपने आसपास के लोगों को भी जीने का तरीका सिखा सकते हो, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली संन्यास ले लो, है ना, नहीं तो आपका घर कौन संभालेगा। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो इसी दुनिया में, इसी संसार में रहते हुए अपने आप को अपलिफ्ट करना, सेल्फ अवेयर होना, यही हम यहां पर सीख रहे हैं। ओके, तो हर चीज को आप सीखिए, लेकिन एक लाइन होती है, उसके अंदर ही रहे, ठीक है। यहां पर मैंने हाथों का भी ये दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हर एक चक्रा का अलग एक कलर होता है ना, ये बात तो पता है आप लोगों को, रेड होता है,
देन उसके बाद आपका ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद देन इट कम्स टू योर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड देन वॉलेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर वॉलेट नहीं लेंगे, वॉलेट एक्चुअली ये 7 नंबर है ना, यहाँ होता है। चलिए, एक नंबर है वो यहाँ है, अगर आप नीचे देखोगे जो आपकी हथेली होती है, दिस इज योर रूट चक्र, बिल्कुल नीचे। ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपका, और इसको हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत मेरे स्टूडेंट्स तो ये जानते हैं, नेगेटिविटी निकालनी है तो अभी मैं आप लोग का एक टेस्ट भी ले रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, निकालनी है तो एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। क्लॉकवाइज एंटी है, क्लॉक, उसका मतलब है कि वो पॉजिटिविटी डालनी है। पॉजिटिव। हाँ तो अब हम यहाँ पर जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि वहां की आपकी नेगेटिविटी निकल रही है। रूट चक्र पॉजिटिव करना है तो उसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए। उसी तरह से जब हम ये लेते हैं अपना सोलर प्लेक्सेस है, अंगूठा है, तो अंगूठे में भी इसको इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे रोटेशंस दे सकते हैं, यहाँ रोटेशंस दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेन होता है जनरली, बिकॉज ये आपका थोड़ा नीचे की तरफ है, सेक्रल होता है यहाँ पर। इसको भी आप एंटी रोटेट और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको यहाँ अंगूठे के ज्वाइंट पर पेन होता है, आप लोग सब करके देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है सोलर प्लेक्सेस, उसके बाद हार्ट चक्रा, देन अनाता, उसके बाद आपका विशुद्धि, ठीक है, और उसके बाद सहस्रार। अब सहस्रार इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो यहाँ बीच में होता है, इसको हम कहते हैं ये अल्टीमेट चक्रा है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सारी उंगलियां प्रेस कीजिए, नॉर्मल एक तरीका है, डोंट गो इन द डिटेल्स, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रही थी। आप सारी उंगलियां प्रेस कीजिए थोड़ी थोड़ी देर, ठीक है, और उसके बाद अंगूठा लेकर एक हाथ के उसमें आप इसको क्लॉकवाइज प्रेस कीजिए हथेली के बीचों बीच, तो यहाँ पर आपको ये सारे चक्रास को बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी ब्रह्म नाड़ी जो है वो नाड़ी यही है, यहाँ पर है, देखिए आप 6 और 7 के बीच में ये जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, इसको यहाँ पर बीच में आती है, तो वहां पर आपके ये गुरु चक्रास होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। तब तो अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जो गुरु चक्रास है वो बाय डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हर इंसान के एक्टिव होता है, तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि सुषुम्ना नाड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के लिए एक्टिवेट होती है, और दिन में कई बार होती है। ओके, ज्यादा हो गया क्या? सब लोग एकदम शांत हो गए या समझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं मैम, ठीक है। यस मैम, ठीक है, ये मैंने आपको इससे से बताया था। सेम चीज है वही ब्रह्म नाड़ी की, जो अभी मैंने आपको वैसे बताया, ये यहाँ पर थ्योरी है उसकी, छोटी सी थ्योरी है, ज्यादा है नहीं, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, तो आपको जो मैंने बोला उसके ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ दिस वॉज द थिंग। द 3 मेन एनर्जी चैनल्स टर्मिनेट एट द थर्ड आई, मतलब अंजना के ऊपर 3 मेन हमारे वो रहते हैं, दे आर इडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, ठीक है, जो सेंट्रल होती है हमारी। फ्रॉम द थर्ड आई चक्रा अ मोर सटल नाड़ी स्टार्ट्स विच इज कॉल्ड ब्रह्म नाड़ी हायर चैनल, जो वो थर्ड आई से सहस्रार चक्रा तक होती है, यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने आपको यहाँ पिक्चर में 6 से 7 के बीच में दिखाई है, ये देखिए ये दिख रही है ना आप लोगों को सबको, 6 और 7 के बीच में ये जो है ये ब्रह्म नाड़ी है, और इसी के ऊपर गुरु चक्रास होते हैं।